Welcome to Dark Knight Love Tarot. Today's topic: What have they realized about you and the connection? आपके पर्सन ने अब तक इस कनेक्शन के बारे में और आपके बारे में क्या चीज रियलाइज करी है, ठीक है? वो क्या सब है जो आपके पर्सन इस कनेक्शन के बारे में रियलाइज कर सके हैं, ठीक है? रियलाइज किया है और क्या चीज है, ठीक है? अच्छी कलेक्टिव फीलिंग रहेगी, टाइमलेस फीलिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, जितनी रेजोनेट करती होती है फर्क है। फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? व्हाट हैव दे रियलाइज अबाउट यू एंड द कनेक्शन। एक न्यू चैनल मैंने आप लोग के लिए क्रिएट करा है, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से, उसका लिंक मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स में। आप वहां पे शॉर्ट कंटेंट, शॉर्ट रीडिंग्स वॉच कर सकते हैं। यहाँ पे डिटेल रीडिंग होती है, वहां पे क्विक एनर्जी अपडेट और शॉर्ट रीडिंग्स मिल जाएंगी। वहाँ पे बहुत लेंथी रीडिंग भी होती है, पिका कार्ड भी होती है, तो बहुत शॉर्ट होती है, ठीक है? अगर आपके पास काम मतलब कि काम है, बिजी रहते हैं, टाइम कम है, तो आप उस शॉर्ट मतलब कि एक शॉर्ट में क्लैरिटी एनर्जी अपडेट देखने के लिए आप उस चैनल को वॉच कर सकते हैं, ठीक है? ओके, आपके पार्टनर ने अब तक इस रिश्ते को लेकर क्या चीज रियलाइज करी, इस कनेक्शन को लेकर क्या चीज समझी, अब तक क्या रियलाइज कर चुके हैं आपके पर्सन? लेट्स सी। Think about your partner, think about your situation. आपके person of interest ने इस रिश्ते और आपके बारे में अब तक क्या realize करा? इस connection के बारे में आपके partner को अब तक क्या समझ में आया और आपके बारे में? सबसे पहले तो आप काफी emotional person है, ठीक है? आपके partner आप male या female है, doesn't matter, gender specific नहीं है। आपके पार्टनर आपको काफी इमोशनल पर्सनालिटी की तरह देखते हैं, ठीक है? नर्चरिंग, एक मतलब के लाइक अ फादर, लाइक अ मदर, जैसे कि केयर करना, प्रोटेक्ट करना, अंडरस्टैंड करना, कॉम्प्रोमाइज करना, रिश्ता चलाने के लिए हर पॉसिबल कोशिश करना और एक हमेशा अपनी तरफ से एक जस्टिस मेंटेन रखना, ठीक है? मतलब कि आप अपनी तरफ से जस्टिस मेंटेन करते हैं, आप अपनी तरफ से इंसाफ करते हैं जिस भी कनेक्शन में जाते हैं। तो आपके पार्टनर आपकी पर्सनालिटी में ये चीज रियलाइज करते हैं कि आपके अंदर एक एक मतलब कि एक बैलेंस है, एक इंसाफ है जो आप सामने वाले को देते हैं, ठीक है? मतलब कि चाहे आपको वो मिला हो या ना मिला हो, ठीक है, लेकिन आप बहुत ज्यादा एक बैलेंस और अपने हर रिश्ते में या हर तरीके की आप सिचुएशन में एक इंसाफ करते हैं, इंसाफ पसंद इंसान है आप, ठीक है? लेकिन मुझे ऐसा लगता है, इस पर्सन को लगता है कि आप ने जैसा लोगों को ट्रीट करा आपको वैसा ट्रीट नहीं किया गया। आप हमेशा खुद को स्टक और अकेला ही फील करते आए, ठीक है? आपके अंदर एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, हर्ट है, पेन है, तकलीफ है। ये पर्सन जानता है आप हर्ट हैं, ठीक है? तो मतलब कि आप जिस भी कंडीशन में आप आए या तो जिस कंडीशन में आप स्टक हुए वहां से आपको हर्ट और पेन के अलावा कुछ नहीं मिला। आपके पर्सन ने भी कहीं ना कहीं यही किया है आपके साथ, एक पेनफुल सिचुएशन और हर्ट, तकलीफ, इस तकलीफ के अलावा आपको इस रिश्ते में कुछ और खास नहीं मिला, ठीक है? तो आपके पर्सन आपको लेकर ये चीज रियलाइज जरूर करते हैं कि आप शो नहीं करते कि आपके अंदर कितना तकलीफ है या कितना पेन है। आप काफी एक मतलब कि काफी आपके अंदर एक स्पार्क है, एक थ्रिल है, ठीक है? एक एनर्जेटिक पर्सनैलिटी आपकी, आप जोशो खरोश रखते हैं, उनको होता है ना एक जैसे कि अंदर से बहुत ज्यादा स्पार्क होना इंसान के, वो मतलब कि किसी को पता नहीं चलने देना वो अपनी लाइफ में कहाँ स्ट्रगल कर रहा है, लोगों के लिए बढ़ चढ़ कर हेल्प करना, काइंड हार्टेड रहना। तो ये पर्सन आपको जानता है, आप कितने अंदर से हर्ट हो, पेन हो, तकलीफ हो, आप रिवेंज की एनर्जी है, तो आप किसी से रिवेंज नहीं लेते। रिवेंज मतलब कि बदले की आपके अंदर आग नहीं होती किसी के लिए भी। आप एक जस्टिस पसंद इंसान है, आप इक्वलिटी पे यकीन रखते हैं, आप इंसाफ करने पे यकीन रखते हैं। कोई आपके साथ करे ना करे वो आपका मैटर ही नहीं है, लेकिन आप हर रिश्ते को, हर कनेक्शन को या हर इंसान को वो देते हैं जो वो डिजर्व करता है, ठीक है? आपके अंदर एक, आप अगर रिश्ता बनाएंगे तो निभाएंगे जरूर, आप खाली रिश्ते बनाते नहीं है, उनको निभाते भी हैं। शायद आपके लाइफ में कम रिश्ते हैं, कम लोग हैं। ये पर्सन आपकी पर्सनैलिटी को काफी सेंसिटिव और सेंसिबल देखता है, ठीक है? शायद ये चीज ये समझ नहीं सका, आपके अंदर एक चाइल्ड लाइक एनर्जी है, ठीक है? हर चीज में एक्साइटमेंट डाल देना, हर चीज में एक एंथुसियास डाल देना, एक स्पार्क डाल देना, आपकी पर्सनैलिटी इस तरीके की है, ठीक है? चाहे आप अंदर से कितनी हर्ट हो, किसी ने आपको कितना ही मतलब कि आपको बैकस्टक किया हुआ हो, आप वो शो नहीं होने देंगे, आप उसको पता भी नहीं चलने देंगे कि आपके अंदर कितना तकलीफ या पेन है।
आप इतना मतलब कि आप इतनी कॉन्फिडेंस और इतनी एक करीजियस पर्सनालिटी हैं, सामने वाले के अंदर वो चीजें डेवलप कर देते हैं जो आपके साथ कनेक्ट होता है इंसान, वो अपनी लाइफ को एक न्यू विजन से देखने लग जाता है। आपके पर्सन आपकी पर्सनालिटी को इस तरीके से रियलाइज करते हैं। आपके पार्टनर ने अब तक जो आपके साथ लेके रियलाइज करा कि आप अगर आप हर्ट हैं, अगर आप पेन में हैं, अगर आप डिस्टर्ब हैं, तो आप वो हर्ट, वो पेन, वो डिस्टर्ब एनर्जी किसी के ऊपर थोपते नहीं है, किसी के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते। आप दूसरों की खुशियों को अपने दुख दर्द से परेशान नहीं करते, दूसरों की खुशियां बर्बाद नहीं करते आप, ठीक है? What have they realized about you and the connection? Okay. आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, ठीक है? आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। और यहाँ पे कुछ ना कुछ कर्मा कनेक्टेड रहा है। आपने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करी है, हर चीज के लिए वेट करा है, आपको किस्मत ने हर चीज के लिए इंतजार कराया है, ठीक है? किस्मत ने हर चीज आपको डिले से दी है, बहुत इंतजार से दी है। आपकी लाइफ में कार्मिक सिचुएशंस चली हैं, आपने बहुत ज्यादा अपनी लाइफ की डार्कनेस फेस करी है, हर चीज को पाने के लिए आपने बहुत इंतजार और बहुत मेहनत की है, ठीक है? अपना राइट टाइम आने के लिए मेहनत करी है, आपने अपनी लाइफ को एक डार्कनेस से बाहर निकाला है। चाहे आप एक मतलब कि आपकी मेहनत कभी कम नहीं हुई, आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन है, ठीक है? आपके अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल हो सकती है जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है, या आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, या आपके बात करने की वजह से लोग हील हो जाते हैं, या लोगों को एक नई जिंदगी मिल जाती है जीने के लिए, ठीक है? लेकिन आप खुद डार्कनेस से अपने लिए खुद फाइट करते हैं, आप किसी डार्कनेस से बाहर आए, आपने आपने बहुत टाइम स्ट्रगल करी है, बहुत टाइम सर्वाइव करा है, ठीक है? मतलब कि बहुत टाइम तक आप अंधेरे अंधेरे में रहे हैं अपने उजाले के लिए, ठीक है? बहुत टाइम तक आप डार्कनेस में रहे, अपनी लाइफ में वेट करते रहे कि लाइफ में कब वो विक्ट्री और सक्सेस, वो एक ब्राइटनेस आएगी जो आप डिजर्व करते हैं। बहुत टाइम, बहुत मतलब कि बहुत टाइम तक आपने इस चीज का वेट करा है अपनी लाइफ को एक अच्छा होने के लिए, एक बेहतर बेहतर जगह पे ले जाने के लिए। ओके, आप वेट कर रहे हैं अपनी हैप्पी फैमिली का, ठीक है? आप खुद को प्रोटेक्ट करके बैठे हुए हैं, आपकी लाइफ में एक हैप्पी फैमिली, अपने ड्रीम कम ट्रू होने का वेट कर रहे हैं, ठीक है? आप खुद को हील कर रहे हैं राइट नाउ। ये पर्सन जानता है कि आपने बहुत स्ट्रगल देखी है अपनी लाइफ में, बहुत टाइम तक आप डार्क एनर्जी या डार्क मतलब के टॉक्सिसिटी में रहे हैं, बहुत मुश्किल से मतलब कि आपने अपनी लाइफ में कर्मा फेस करा है, बहुत नेगेटिव सर्वाइव किया आपने बहुत हार्ड टाइम से, ठीक है? तो आप थोड़ा सा मतलब कि आपके गार्ड्स अप हैं, ठीक है? आपका ड्रीम है हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ, खुशियाँ, आप उस चीज का वेट कर रहे हैं, ठीक है? अपनी अपने गुड टाइम का, गुड फॉर्च्यून का वेट कर रहे हैं। आपके पर्सन आप मतलब कि आपके अंदर जो है ना, आपके पार्टनर आपकी राइट वैल्यू समझे हैं, ठीक है? एस ऑफ कप की एनर्जी है, आप अपनी लाइफ में हीलिंग पे हैं, किसी न्यू स्टार्ट का वेट कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में रिस्क टेकिंग करेंगे आप, ठीक है? आप साइलेंट हैं, बहुत इंट्यूटिव हुए हैं, कोई टावर मोमेंट के बाद आपने खुद को साइलेंट कर लिया है, किसी टावर हिट करने के बाद सब कुछ जो बिखर गया आपने दोबारा बनाने की कोशिश नहीं करी, सरेंडर कर दिया है आप, इस वक्त एक सरेंडर कर चुके हैं डिवाइन को। आपके पार्टनर आपके बिहेवियर से या आपके एक्शन से इस चीज को एज्यूम कर रहे हैं, अब आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में, आप कुछ भी फोर्सफुली अपनी लाइफ में चेंज नहीं कर रहे, बल्कि आपने लोग खुद को प्रोटेक्ट कर लिया है, आपको जहां लगता है लोग आपको हार्म कर रहे हैं आप रिवेंज तो लेते ही नहीं है, आप बदले की एक बदले की सोच तो आप रखते ही नहीं है, लेकिन आप खुद को प्रोटेक्ट जरूर कर रहे हैं। आप वेट कर रहे हैं अपनी शिप्स अराइव होने का, एक डिवाइन टाइमिंग का आप वेट कर रहे हैं, अपनी अपने ड्रीम कम ट्रू होने का, एक हैप्पी फैमिली आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, आप उसका वेट कर रहे हैं। हीलिंग की एनर्जी है अपनी लाइफ में, आप रिस्क टेकिंग करने का इंतजार कर रहे हैं, काफी इंट्यूटिव गाइडेड पर्सन है आप, ठीक है? उस टावर एक बहुत कुछ यहाँ पर आपके मतलब कि कुछ सब कुछ बिखर चुका है, कोलैप्स हो चुका है, मतलब कि आप सरेंडर टू द डिवाइन, आप इस वक्त सरेंडर करने वाली एनर्जी में, ठीक है? आपने सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर दिया है राइट नाउ। आपके पार्टनर आपको लेकर इस वक्त बहुत कुछ रियलाइज कर रहे हैं, बहुत सी चीजें, बहुत सी क्लैरिटी आपके पार्टनर के सामने है। अगर आपके पार्टनर आपके इमोशंस को खाली एक मतलब कि आपका एक फेक फेस समझते थे, अगर आपके पर्सन को ऐसा लगता था आप सिर्फ एक फेक मास्क वेयर करे हुए, आप ऐसे नहीं हो सकते जिस तरीके से आप दिखाते हैं, आप क्यों इतने अनकंडीशनल होंगे, आप क्यों कुछ 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 लोग ऐसे होते हैं जो आपकी लाइफ में इस तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं, जो आपको लगता है कभी कभी यार ये
इतना अच्छा क्यों होगा ये इंसान, मैंने इसके साथ इतना अच्छा क्या किया है। कुछ आपके डेस्टिनी होती है जो आपको ऐसे लोगों से कनेक्ट करवाती है, आपके कुछ ऐसे कर्म होते हैं, कुछ ऐसे कर्मा आप गुड कर्मास कर चुके होते हैं जो आपको एक ऐसे लोगों से कनेक्ट करवाते हैं जो खुद भी आपसे लर्निंग लेते हैं, जो आपको खुद भी टीच करते हैं, आप उनको टीच करते हैं, वो आपको टीच करते हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने बहुत ज्यादा आपको टीच किया है मेच्योरिटी के लिए, प्रैक्टिकलिटी के लिए, मतलब कि प्रैक्टिकल मेच्योर पर्सनैलिटी बनाने के लिए आपके पर्सन का बहुत बड़ा हाथ रहा है पीछे आपको। ठीक है, आपने जो कर्मा इतना आसानी से फेस करा अपना डार्क टाइम, आपने इस पर्सन की वजह से करा। कभी कभी हम अपनी लाइफ में ऐसे रिश्तों पे अटक जाते हैं, ना वो बनते हैं, ना वो सुधरते हैं, ना उनसे कुछ मिल रहा होता है, ना कोई हासिल वसूल होता है। कहीं ना कहीं डिवाइन हमें प्रोटेक्ट कर रहा होता है ताकि हम और गंदे रिलेशनशिप से बचे रहें, ताकि हम ऐसे लोगों से बचे रहें, गलत हाथों में जाने से बचे रहें। डिवाइन कभी कभी हमें ऐसी जगह खूंटे से अटका देता है, ना ये तुम्हें मिलेगा, ना ये तुम्हारा बनेगा, लेकिन तुम्हारा जो एक बुरा टाइम है तुम बच जाओगे किसी बुरे हाथों में जाने से। जैसे कि इंसिडेंट्स आजकल आप लोगों को न्यूज़ेस पे सुनने को मिलते रहते हैं। ठीक है, किसी ऐसे इंसान पे ट्रस्ट करने से बेहतर है हम ऐसे लोगों के बीच अटके रहें। क्या पता ये सब कुछ जो हो रहा होता है हमारा डिवाइन की मर्जी से हो रहा होता है। एक तो हम लेसन लर्न कर रहे होते हैं, ठीक है, और हम ऐसे हाथों में होते हैं जो हमारा एटलीस्ट नुकसान नहीं कर सकते, वो हार्ट ब्रेक कर सकते हैं, उन्होंने वही करा है, लेकिन वो एक होता है ना कि जानी माली नुकसान नहीं कर सकते वो हमारा। ठीक है, वो हमें जो उन्होंने करना था कर लिया, इतने बुरे नहीं होते कि वो हमारी जान और माल पर आ जाए। ठीक है, तो आप उन लोगों से बचे रहते हैं। कहीं ना कहीं आपने आपका रिश्ता इसी तरीके का रहा है, आपका इस पर्सन के साथ कोई कर्मा जुड़ा हुआ था, आप बहुत इमोशनली कोडिपेंडेंट हो गए इसके साथ कनेक्ट होके, आपने काफी ट्रस्ट करा लेकिन आपको हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी मिली, लेकिन आपने पलट कर कभी कुछ इसको कहा नहीं, आप बस सहते रहे, समझते रहे, चीजों को लेकर चलते रहे, आप जो अपनी तरफ से अच्छा कर सकते थे वो आप करते रहे। ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर उस वो वक्त तो गुजर गया, लेकिन एक एपिफनी आपके पर्सन के माइंड में एक अवेकनिंग स्टेज है, आपके पर्सन आपको लेकर बहुत कुछ अंडरस्टैंड करते हैं। एक कहते हैं ना कभी ना कभी इंसान का रियल फेस जरूर सामने आता है, वो अच्छा हो या बुरा हो। अगर आप बनावटी होते तो वो भी फेस आज सामने आता, किसी तरीके के आपके मतलब कि आपके जो रिलेशनशिप में जो है ना आपके पर्सन, ये बहुत ईगोस्टिक पर्सन है, ये पर्सन बहुत फ्रीडम लवर है, इस पर्सन को अपना फ्रीडम पसंद था, फाइनेंशियल कैरियर स्टेबिलिटी पसंद थी, लेकिन एक इस टावर के बाद आपके पार्टनर आपका रियल सेल्फ देख रहे हैं। ठीक है, आप कितने सेंसिबल हैं, आप कितने अनकंडीशनल हैं, आप कितने स्पिरिचुअल हैं। ठीक है, देखें वो इंसान स्पिरिचुअल होगा या तो बहुत ज्यादा अपने रिलीजियस से कनेक्टेड होगा, जो बार बार फॉरगिव कर सकता है, उसके अंदर इतनी ताकत है आपको बार बार माफ करने की, वरना आपको पता है बदला लेना हर किसी के लिए आसान है। ठीक है, एक बदला लेना एक रिवेंज की एनर्जी में आ जाना, बुजदिल रहते हैं, बदला बुजदिल लेते हैं। ठीक है, समझदार मैच्योर इंसान कभी बदला नहीं देता, तो यहाँ पर ये वाली एनर्जी है। ठीक है, आपके पार्टनर काफी स्ट्रांग हो सकते हैं, बहुत ज्यादा अपनी बात पे अड़े हुए थे। ठीक है, आपके पर्सन खुद को सिंगल ही रखना चाहते थे, कभी भी आपसे अटैच करके उन्होंने कोई बात ही नहीं करी, ना कहीं बाहर आपको आपको अपने साथ आपके नाम के साथ अपने आपको अटैच कराया, कनेक्ट कराया, रिलेशनशिप में भी नहीं आपके पर्सन अपने साथ आपको समझते थे। ठीक है, तो कुछ टावर मोमेंट आपके पर्सन का बिलीफ सिस्टम ब्रेक हुआ है, आपके पर्सन कुछ नेगेटिवली आपके पार्टनर के ट्रस्ट मतलब के नेगेटिव चीजों के ऊपर कोई आपके पर्सन का बिलीफ था, कोई बिलीफ सिस्टम ही आपके पर्सन का ब्रेक हो चुका है, जैसे आपके पर्सन आपको समझते थे आप वैसे बिल्कुल नहीं निकले। ठीक है, लेकिन आपकी कार्मिक साइकिल थी, आपके पर्सन पे एक आंखों की पट्टी बनी हुई थी आपको गलत समझने की। ठीक है, मैं आपको रीडिंग के सॉरी अजान के बाद यहीं से कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है, तो टेन ऑफ कप्स एंड साइन ऑफ फेंस, डिफेंसिव एनर्जी, आप अपनी लाइफ में आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ नेगेटिव पीपल्स, कुछ टॉक्सिक पीपल्स, जो भी आपने कर्मा अपनी लाइफ को फेस किया है, तो अब आपको समझ आइए सही और गलत में। ठीक है, पहले आप जो अपनी लाइफ में जो कुछ भी करते थे ट्रस्ट करते थे आप लोगों पे, लेकिन अब आप खुद को एक अपनी लाइफ में आप एक जैसे कि खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपने कुछ कुछ ना अपनी लाइफ में इस तरीके की चीजों को अंडरस्टैंड किया है कि हर चीज सेफ नहीं है, हर इंसान सेफ नहीं है। ठीक है, हर इंसान ट्रस्ट के काबिल नहीं है। कुछ आपने अपनी लाइफ में लेसन ऐसे लर्न करें, तो आपके पार्टनर जब भी आपको देखते हैं आपको ऐसे पॉइंट पे देखते हैं कि आपने अपनी लाइफ में बहुत ग्रो करा है। ठीक है, आपकी लाइफ में ग्रोथ आई है, आप मेंटली मैच्योर हुए हैं, मेंटली स्टेबल हुए हैं आप। ठीक है, चाहे लेकिन इस पर्सन को ये बात पता है। ठीक है, आप कितनी हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी में हो, आप कितनी हर्ट हो, आप कितने पेन में हो, जो भी आपने कर्मा फेस किया रहा है ना इस इंसान की वजह से, इसके माइंड में आपको लेकर एक गलत इमेज थी,
वो ब्रेक हुआ है, ठीक है। एक आपका जो एक गलत या आपको समझता था या जो भी इसको आपको देखने का गलत नजरिया था कि आप एक आप औरों की तरह ऐसे ही पर्सन हैं जैसे कि और लोग होते हैं, जिस तरीके से और लोग लोग लाइफ में आते हैं, ऐड होते हैं और यूज करते हैं और निकल जाते हैं, तो आपके पर्सन का परसेप्शन बदल चुका है, ठीक है। आपके पर्सन का नजरिया पूरा का ओवरऑल बदल चुका है, ठीक है। आपको लेकर अगर आपके पार्टनर आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, आपके ऊपर यकीन नहीं कर रहे थे, तो आपके पार्टनर अब आपके ऊपर ट्रस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। ओके, फीलिंग्स के लिहाज से आपके पर्सन ने अपनी फीलिंग्स में कुछ, आपके पर्सन राइट नाउ आपको लेकर करंटली किस पॉइंट पर खड़े हैं, आपके पार्टनर की इस रिश्ते के लिए और आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। ओके, हीलिंग इम्पॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। पीस, आप लोग के बीच एक पीस आना या आपके लोग के बीच एक स्टेबिलिटी आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पास्ट में तो एक स्ट्रेस ही रहा, यहाँ पर हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हीलिंग के बाद एक मतलब कि पास्ट सिचुएशन से निकलना, आपके पर्सन थॉट्स, आपके पार्टनर आपको लेकर एक स्टेबल थॉट प्रोसेस में आ रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन काफी पास्ट में आपको लेकर स्ट्रेसफुल एनर्जी में थे, हीलिंग की तरफ है, मेंटली पीस की तरफ है, सुकून की तरफ है, एक नेगेटिविटी से बाहर निकल रहे हैं, नेगेटिविटी से कंप्लीटली नेगेटिविटी को लेट गो कर रहे हैं, मेंटल एक स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। ओके, आपके पार्टनर आपको लेकर मैरिज कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग देख रहे हैं। 10-10 की एनर्जी आपके पर्सन का कुछ, मैंने कहा ना कि एक ओवर थिंकिंग से दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ हुआ है आपके पार्टनर का। इस पर्सन को आपके अंदर काफी विजडम नजर आ रहा है, बहुत आप नॉलेजेबल पर्सन की तरह है इसकी नजरों में, ठीक है। आप इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको डिजर्व नहीं करता, आप एक अलग ही माइंडसेट के इंसान है, ठीक है। आपने अब तक जो किया, आप जो अब तक एफर्ट कर रहे थे, सृष्टि में काम कर रहे थे, आपके पर्सन को ऐसा लगता है मैं होता इस इंसान की जगह तो मैं कभी कुछ नहीं कर पाता, मैं इस रिश्ते को कब का खत्म कर चुका होता, ठीक है, मैं कब कब का इस रिश्ते से निकल चुका होता है, जो इस इंसान ने किया मैं नहीं कर पाता, और अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट कर चुका होता। आपके पर्सन आपको देखकर ये चीज सोचते हैं, ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर बहुत पॉजिटिव सोच रहा है, पॉजिटिव फीलिंग्स, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस हो चुका है, लेकिन पास्ट में आपको लेकर बहुत एक नेगेटिव माइंडसेट था इस पर्सन का, ये आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता था, ये आपके ऊपर ट्रस्ट करना नहीं चाहता था, सिचुएशन कुछ ऐसी थी, आपका कर्मा यही था, ठीक है। आपको हद से ज्यादा किसी को देना नहीं था, शायद आपने मतलब कि इस पर्सन को कभी मेहनत ही नहीं करने दी, जो आपने बिना कहे इसको हर चीज प्रोवाइड कर दी ना, इसने आपके लिए एक ऑब्स्टिकल क्रिएट कर दिया लाइफ में, एक स्ट्रगल क्रिएट कर दी इस पर्सन को, एक विदाउट कुछ एक्सपेक्ट किए आपने इतना कुछ प्रोवाइड करा है, विदाउट कुछ मांगे आपने इतना कुछ दिया है, इसने उसकी कदर ही नहीं करी, इसने आपकी कदर नहीं करी। एट दी एंड आपको अपने सेल्फ को खुद मेंटेन करना पड़ा, खुद स्टेबल करना पड़ा, खुद ग्रो करना पड़ा, हर इंसान अपने लिए खुद मेहनत करता है। तो आपको एक चीज समझ में आ गई, ठीक है, अपने सेल्फ से ज्यादा किसी को प्रायोरिटी नहीं दी जाती। आपने वो किया था, इस इंसान को अपने सेल्फ से ज्यादा प्रायोरिटाइज किया था, प्रायोरिटी दी थी, तो आपके पार्टनर जब से आप साइलेंट हुए हो गए या साइड लाइन हो गए, आपने होल्ड बैक करना स्टार्ट कर दिया, आपने अपनी प्रॉब्लम, अपनी परेशानियां आप अपना समझ के हर चीज शेयर करते थे, आप अपने से ज्यादा, क्योंकि जब आप अपने से ज्यादा हर वक्त इसका सोच रहे हैं, तो आप अपने से ज्यादा ही इस पर्सन को वैल्यू, वर्थ सब कुछ देते आए, ठीक है। तो आप अपना समझ के आपने हर वो चीज प्रोवाइड करी है, हर वो चीज देने की कोशिश करी है जो आपको लगता था आपकी लाइफ में एक पार्टनर डिजर्व करता है, ठीक है, आपने सब अपना समझ कर करा है, लेकिन ये पर्सन आपकी मेच्योरिटी देख पा रहा है। जैसे कि हमें दो सूरतों में चीजों की कदर नहीं होती, ठीक है, जब वो हमारे पास आ जाती है तब हम उसकी कदर नहीं करते, और जब वो हमारे पास से जब मतलब कि जब वो हमारे पास होती है तब उसकी कदर नहीं होती, जब हमारे पास नहीं होती ना तब हमें कदर होती है। तो जैसे आप साइलेंट हुए, या आपने कनेक्ट करना या कन्वर्सेशन करना या इस पर्सन को अपनी लाइफ रूटीन बताना बंद करा है, जब से आप अपनी लाइफ में अपने लिए सब कुछ करने लगे, जब से जैसे कि आपने बहुत ज्यादा इस पर्सन को वैल्यू देनी बंद करी है, तब आपके पार्टनर को जो आपकी तरफ से मिलता था उसकी वैल्यू अंडरस्टैंड की जा रही है, ठीक है। आपके पर्सन की तरफ से आपको तो बहुत वैल्यू थी, इस पर्सन की एक मैसेज की भी वैल्यू थी, आप उसको भी सोचते थे यार एटलीस्ट इस बात तो कर रहा है, एटलीस्ट कनेक्टेड तो है, आप तो यहाँ पर कुछ भी कर लें, मतलब के कुछ भी कर लें आप इसके लिए, लेकिन ये बात आपकी, ये आप इसने आपको वो वैल्यू, वो वर्ड, वो सब कुछ भी नहीं दिया इसमें, ठीक है। ओके,
इस कनेक्शन के बारे में आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं? आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत कुछ रियलाइज कर चुके हैं, बहुत आप लोग के रिलेशनशिप में कोल्ड एनर्जी आ चुकी है, ठीक है? राइट नाउ एक स्ट्रेस वाली सिचुएशन में ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा चल रही है आप दोनों की तरफ से इस रिश्ते में, एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग को लेकर, लेकिन एक्शन कोई भी नहीं ले रहा, ठीक है? आप भी सोच रहे हैं, आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं, ये कनेक्शन होल्ड पे गया हुआ है, ठीक है? होल्ड बैक करने वाली एनर्जी है, ठीक है? वेटिंग, होल्ड, मतलब कि दोनों तरफ से आप वेट किया जा रहा है कि सामने वाला पर्सन एक्शन लेगा, वेट, मतलब कि इस रिश्ते को शायद ये कनेक्शन एक सॉल्व हो सके, ठीक है? आपके पार्टनर भी यहाँ पर यही वेट कर रहे हैं, ठीक है? एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, स्टैग्नेंट एनर्जी इस कनेक्शन की, मतलब कि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज हैं, एक्शन लिया जा सकता है फ्यूचर में स्टेबल मैरिज कमिटमेंट को लेकर, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, ठीक है? यहाँ पर एक्शन लिया जा सकता है स्टेबिलिटी को लेकर, फर्दर क्लैरिटी मिल चुकी है कि यहाँ पर फ्यूचर प्लान किया जा सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक स्टैग्नेंट एनर्जी है, स्टकनेस चल रही है, ठीक है? एम्परर और एम्प्रेस, आप दोनों एक दूसरे से मुंह मोड़कर बैठे हुए हैं, ये पर्सन आपका एम्परर आपको फिर भी देख रहा है, लेकिन यहाँ पर आप एम्प्रेस का ध्यान बिल्कुल भी इस कनेक्शन पे नहीं है। बहुत ज्यादा सोचे, ओवर थिंकिंग काफी हर्डल बन चुकी है, ओवर थिंकिंग करना और एक्शन ना लेना ये चीज हर्डल और ऑब्स्टिकल बन जाती है। आप दोनों ही इस वक्त राइट नाउ इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग पे है, सोल सर्चिंग पे है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, मतलब कि वो चीज एक हर्डल बन ही जाती है। जब ओवर थिंकिंग हद से ज्यादा किसी कनेक्शन में बढ़ जाए या किसी किसी भी चीज को लेकर आप हद से ज्यादा सोचने लग जाए, सोचें और डिसाइड करें और एक्शन लें, ठीक है? ये काम आपके पर्सन की तरफ से बहुत ज्यादा हुआ है ओवर थिंकिंग करना, आप तो खाली सिर्फ और सिर्फ साइलेंट हुए हैं, ठीक है? अब आप तो सिर्फ इस पर्सन की तरफ से एफर्ट और किसी एक्शन का वेट करते हैं। स्टैग्नेंट एनर्जी आपके पर्सन को पॉसिबिलिटी फ्यूचर को लेकर नजर आ रही है, इस आपके साथ कुछ स्टेबल ग्राउंड स्टार्ट किया जा सकता है। आपके पर्सन सोच रहे हैं लेकिन वेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सोचे जा रहे हैं, ये थॉट होल्ड बैक करके बैठे हैं। एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग हो सकती है इस कनेक्शन में। आप काफी कोल्ड हो चुके हैं, ठीक है? आप बस क्लैरिटी देखना चाहते हैं, आप बहुत प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस रख रहे हैं, अब आप बहुत इमोशनल होकर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे। ओके, और क्या हो सकता है इस रिश्ते में? फॉक्स, यहाँ पे इस वक्त आपके पर्सन गोस्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, आपको अपना थॉट्स बता नहीं रहे, ठीक है? लेकिन आपके पार्टनर एक ट्री बनाने का सोच रहे हैं, एक फैमिली ट्री आपके साथ, जैसे कि बहुत ग्रीन ट्री टावर। आप लोग के रिलेशनशिप में 3 बार टावर है, मतलब कि बहुत ज्यादा एक दूसरे को लेकर रियलाइजेशन होना, क्लैरिटी आना, ठीक है? एक दूसरे को लेकर बहुत ज्यादा क्लैरिटी की तरफ पहुंचना। लेडी, आप यहाँ पर बहुत ज्यादा, मुझे आपकी एनर्जी काफी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, या तो आप एक गाइडेड पर्सन है, ठीक है? आप बहुत ज्यादा, आप एक, मतलब क्या, आपके अंदर जो है ना बहुत ज्यादा नॉलेज है, विजडम है आपके अंदर, ठीक है? क्लाउडेड कंफ्यूजन चल रही है, लेकिन आप अपने एक अपने बहुत ज्यादा उसकी वजह से, किसकी, मतलब कि गाइडेंस की वजह से या अपने एक विजडम की वजह से आप बहुत ज्यादा साइलेंट हो चुके हैं, ठीक है? यहाँ पर आपकी एनर्जी, आप बहुत ज्यादा साइलेंट हो चुके हैं। आपके पार्टनर यहाँ पर अपनी लाइफ में चॉइसेस से गुजर रहे हैं, आपकी आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सी चॉइसेस हैं, लेकिन आपके पर्सन आपके साथ कुछ फैमिली ट्री, कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड करना चाहते हैं, ठीक है? आप तक डिसीजन मेकिंग के लिए ऐसे वाले डिसीजन लेते हैं, आप बहुत स्टेबल डिसीजन लेते हैं, आप नहीं समझ पा रहे ये पर्सन आपके साथ कुछ बनाना चाह रहा है या नहीं चाह रहा, ठीक है? शायद कनेक्ट हो चुका है, लेकिन आप इससे एक लॉयल और ऑनेस्ट होकर रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। अगर ये चाहेगा तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप कुछ नहीं। आप यहाँ पर मैरिज या कमिटमेंट को ज्यादा तरजीह देते हुए नजर आ रहे हैं। आप यहाँ पर स्टेबल, आपके लिए स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आपका मतलब कि आप बार बार डिसीजन नहीं लेते, आप दिल से डिसीजन लेंगे और स्टेबिलिटी करेंगे। अगर ये आपको मैरिज प्रोवाइड करता है, एक फैमिली मैरिज कमिटमेंट ऑफर प्रोवाइड करता है, तो वेल एंड गुड, ठीक है? लेकिन क्लैरिटी, आप इस पर्सन से क्लैरिटी चाहते हैं, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो क्लैरिटी को ज्यादा वैल्यू कर रहा है, ठीक है? यहाँ पर एंडिंग हो चुकी है, एक फेज खत्म हो चुका है, कार्मिक फेज खत्म हुआ है। आपके पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहे हैं, पास्ट कुछ टाइम में अपने आपके पार्टनर का चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा है, कुछ चाइल्डहुड से आपके पर्सन अपनी जिंदगी में टॉक्सिक लोगों को फेस करते हुए आ रहे थे। ये पर्सन ऑब्जर्वर है, कहीं ना कहीं से आपको जरूर देख रहा है, इसकी नजर आपके ऊपर है, ये आपको मैरिज के लिए वॉच कर रहा है, हील हो रहा है ये पर्सन। आप लोग के बीच जो कुछ भी हुआ था, एक हीलिंग एनर्जी है। लेडी एंड यहाँ पर है मैन, आप लोग एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं। आपका रिश्ता इस वक्त खास तौर पे आपके आपके जो पार्टनर हैं वो हील हो रहे हैं। अगर ये पर्सन इस रिश्ते में मैरिज के लिए कभी रेडी नहीं था या कभी सोच नहीं पा रहा था, तो ये पर्सन माइंड में आपको लेकर मैरिज के लिए माइंड बना रहा है, थॉट्स चल रहे हैं, सोच रहा है। और आपको तो यहाँ पर क्लैरिटी चाहिए मैरिज और कमिटमेंट के लिए, ठीक है? अगर ये आपको मैरिज और कमिटमेंट देता है, वेल एंड गुड, ठीक है? चीजें आगे बढ़ेंगी, आप लोग ऐसी, आप मतलब क्या होता है प्रैक्टिकल, आप बहुत ये इसके लिए आप बैगिंग नहीं करेंगे, आप भीख नहीं मांगेंगे कि आपको मैरिज और कमिटमेंट दे, ठीक है? अगर इसका दिल करता है, अगर आगे आगे आपके साथ ये लाइफ को देखना चाहता है या कंटिन्यू रखना चाहता है, तो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दे, तो चीजें बैलेंस हो जाएंगी। आप दिल से यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि आप हील हो चुके हैं
और आपके पर्सन भी सृष्टि के लिए हील हो रहे हैं। ये पर्सन एक कमिटमेंट रिंग यहाँ पर फैमिली के लिए आपको बहुत ऑब्जर्व कर रहा है, आपको सोच रहा है, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है, और मतलब कि हीलिंग प्रोसेस पे है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है डेस्टाइन कनेक्शन है। ठीक है, ये पर्सन आपको एक परफेक्ट स्पाउस, एक परफेक्ट पार्टनर की तरह देख रहा है, एक फैमिली ट्री बनाना चाहता है। ये पर्सन एक मैरिज की एज में है, तो मैरिज इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं, लेकिन यहाँ पर जो ऑब्स्टिकल चल रहा है ओवर थिंकिंग का चल रहा है। आप लोग एक साथ आ गए हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन वो मेन बात पे नहीं आ रहे, वो मेन पॉइंट पर नहीं आ रहे। आप तो साइलेंट हो चुके हैं, आपको आपके पर्सन की तरफ से जवाब चाहिए, आप अपनी तरफ से हर पॉसिबल कोशिश कर चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को एक बार रखूंगी, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।